फ्रेंड्स, माय नेम इज राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 फिजिकल एजुकेशन के, और इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है काइनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज एंड वन वर्ड्स। इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इसमें जो ये तैयार किया है आज का जो वीडियो, इसमें एमसीक्यूज तो कम है, 2 से 3 होंगे, लेकिन हाँ ये वीडियो बहुत बढ़िया है जिसमें हम वन वर्ड्स के बारे में बहुत सारे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इसमें काफ़ी, और इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है आज की वीडियो में, बहुत ही सटीक नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास पॉइंट, वो है एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज स्किल्स इम्प्रूवमेंट। यानी कि अगर हम देखें कि जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा होता है जो कि होता है स्किल्स इम्प्रूवमेंट। क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स में अगर स्किल्स इम्प्रूव नहीं हो रही हैं तो फिर मतलब इम्प्रूव नहीं हो रही अगर स्किल्स तो फिर स्पोर्ट्स अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्किल्स इम्प्रूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के दौरान स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है इसीलिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, आई मीन पॉइंट 2 के बारे में। पॉइंट 2 में बोल रहे हैं कि इन बायोमैकेनिक्स में स्टडी की जाती है, किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी की जाती है नियमों की, कौन से नियम, कौन से लॉज ऑफ मैकेनिक्स के। ठीक है, जो जिनका संबंध किससे होता है, मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जितने भी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी होते हैं, बॉडी को जब हमारी मूव करती है तो बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं बायोमैकेनिक्स के थ्रू। ठीक है, बायोमैकेनिक्स में स्टडी की जाती है इसकी। अब नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इन डैश वी स्टडी ह्यूमन मूवमेंट्स। अब किस में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कहाँ, किसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं ह्यूमन मूवमेंट्स की। ठीक है, और इन द लाइट ऑफ बायोमैकेनिक्स, यानी कि बायोमैकेनिक्स की भी हेल्प ली जाती है, एनाटॉमी की भी हेल्प ली जाती है और फिजियोलॉजी की भी हेल्प ली जाती है। वो कौन सी ब्रांच है एक तरीके से हम कह सकते हैं जिसमें हम ह्यूमन मूवमेंट्स की स्टडी करते हैं, तो भाई वो है काइनेसियोलॉजी। ठीक है, काइनेसियोलॉजी के बारे में आप जरूर पढ़ें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन है आपके पास तो आप एक बार इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, मतलब आप उसके बारे में इंटरनेट पे ही पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझें जरूर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, द वर्ड काइनेसियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डैश एंड मीनिंग मूवमेंट। ठीक है, मीनिंग मूवमेंट, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वर्ड है काइनेसियोलॉजी, जो शब्द है वो ड्राइव हुआ है कहाँ से, ग्रीक वर्ड से। कौन से ग्रीक वर्ड से, यहाँ पे देखिए ये हमने ब्लू पेन से लिख रखा है काइनेसिस, तो जो ग्रीक वर्ड काइनेसिस है उससे काइनेसियोलॉजी बना है। ठीक है, और उसमें एक वर्ड और आता है, मतलब इसमें जो है आपका, देखिए काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, और एक वर्ड है लॉजिया जिसका मतलब है स्टडी, यानी कि मूवमेंट की स्टडी, तभी हम कहते हैं काइनेसिस एंड लॉजिया, इसमें लिखा है। तो काइनेसियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस मीनिंग मूवमेंट, यानी कि काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, एंड लॉजिया, ठीक है, लॉजिया मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, स्टडी। तो इस तरीके से काइनेसिस और लॉजिया को मिलाकर बना काइनेसियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट की, ठीक है, मूवमेंट की हम स्टडी करते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे डैश इज द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मैकेनिकल लॉज रिलेटेड टू द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम किसमें, ठीक है, तो चलिए मैंने अभी लिख दिया, थोड़ा वीडियो रोक के मैं यहाँ पे ध्यान दिया था लिखने का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, डैश इज द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मैकेनिकल लॉज, एक फील्ड है जिसमें हम मैकेनिकल लॉज के बारे में स्टडी करते हैं, जो जिनका संबंध होता है मूवमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके मूवमेंट से, तो भाई बायोमैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम ये बी ऑप्शन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे ए ऑप्शन जो हमारा इसमें दिया हुआ है, बायोमैकेनिक्स। ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स जो है, बायोमैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, ये एक फील्ड है स्टडी की जिसमें हम मैकेनिकल लॉज जो जुड़े हुए होते हैं किससे, मूवमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू होम, यानी कि किसके अकॉर्डिंग, जो साइंस है, साइंस कंसर्न विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ह्यूमन बॉडी एंड द इफेक्ट्स प्रोड्यूस, यानी कि एक ऐसी साइंस जिसका जो कंसर्न है, जिसका संबंध है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, और एंड द इफेक्ट्स प्रोड्यूस, अब हम देख लेते हैं, ठीक है, बाय दीज फोर्सेस। तो इसमें उन्होंने सिंपल जो कहा है वो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ह्यूम, यानी कि किसके अकॉर्डिंग, साइंस कंसर्न विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, ऐसी साइंस जो कंसर्न है किसके साथ, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो ह्यूमन बॉडी पर एक तरीके से एक्ट होते हैं, ठीक है, एंड इफेक्ट्स प्रोड्यूस, और उनसे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी। तो अब क्या है, ये किसने कहा था, ये जेम्स जी हे ने कहा था, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग है। तो चलिए ये डेफिनेशन थी, तो इनके अकॉर्डिंग अगर आ जाता है कि भाई ये डेफिनेशन किसने लिखी है, तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जेम्स जी हे ने लिखी थी। तो अब भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि मस्क्यूलो स्केलेटन, यानी कि मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो प्रोड्यूस करता है मूवमेंट्स, जिससे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है ये मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, जिससे ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट्स पैदा होते हैं विद द हेल्प ऑफ डैश एंड डैश सिस्टम्स। यानी कि मस्क्यूलो स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटन होगा ये जहाँ तक, हाँ स्केलेटन, मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो प्रोड्यूस करता है मूवमेंट्स को ह्यूमन बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से ये करता है, तो ये मस्क्यूलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स की हेल्प से करता है ऐसा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 8 पर आ जाते हैं भाई। 8 पर क्या बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यानी कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है और रिलैक्सेशन जो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं खिंचाव होता है और रिलैक्सेशन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जहाँ तक खिंचाव होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन होता है, खिंचाव होता है जो मसल्स का, वो प्रोड्यूस करता है और कंट्रोल भी करता है मूवमेंट्स इन द बॉडी। तो कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और रिलैक्सेशन भी ज़रूरी चीज़ है, जो इनका जो मेन काम होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स प्रोड्यूस करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं जो भी हमारी बॉडी के मूवमेंट्स हैं। सो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको ये पॉइंट के जरिए बताया है, इसमें मैंने कोई भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं दिया, तो मैंने आपको केवल एक सेंटेंस को एक हिंदी ट्रांसलेट करके और समझाया है आपको, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, थैंक यू। तो अब हम बात कर लेते हैं, अ डैश इज द कनेक्शन बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ बोन्स, यानी कि अ डैश इसमें क्या है, जॉइंट, सही आंसर इसमें होगा जॉइंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जॉइंट, भाई इसका आंसर जॉइंट है। अ जॉइंट एक कनेक्शन है, जो जॉइंट होता है एक कनेक्शन है किसके बीच में, बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ बोन्स, जो बोन्स के सर्फेसिस होते हैं उनके बीच में एक तरीके का कनेक्शन है, ठीक है, जॉइंट हम उसको कहते हैं, ठीक है। और जॉइंट एक होता है आर्टिकुलेशन, ठीक है, सॉरी, तो एक होता है आर्टिकुलेशन। तो अब हम बात करेंगे अपने 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में बोल रहे हैं द आर्टिकुलेशन प्रेजेंट इन नेक, यानी कि जो नेक में आर्टिकुलेशन होता है, ठीक है, शोल्डर में आर्टिकुलेशन होता है, एल्बो में आर्टिकुलेशन होता है, आप मुझे आर्टिकुलेशन का मीनिंग जरूर बताएं कमेंट में, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए आप मुझे बताइएगा आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जॉइंट से ही रिलेटेड है तो आप आसानी से बता सकते हैं। प्रेजेंट इन नेक, आर्टिकुलेशन जो होता है जो नेक में प्रेजेंट होता है, शोल्डर में प्रेजेंट होता है, एल्बो में प्रेजेंट होता है, हिप में भी प्रेजेंट होता है और नीज में भी प्रेजेंट होता है, आर डैश, तो क्या वो फ्रीली मूवेबल होते हैं या नॉट मूवेबल होते हैं, बिल्कुल ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है। तो अब हम यानी कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पी, ठीक है, 11 की बात कर लेते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली डैश स्केलेटन मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि लगभग 700, आंसर इसका सही है, लगभग 700 स्केलेटन मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, लीवर एक क्या है, लीवर इज अ मैकेनिकल डिवाइस, लीवर क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है एक तरीके से टर्निंग या रोटेशनल घुमावदार मूवमेंट अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस पर यह घुमावदार मूवमेंट करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िए, समझ में आ जाएगा, बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने 13 क्वेश्चन पर, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो फिर बाकी के जो भी मिक्स क्वेश्चंस मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा सारे चैप्टर्स में से, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे और करीब वो 20 से 25 मिनट का एक वीडियो मैं बनाऊंगा जरूर, तो उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जिस पर बॉडी का सारा वेट एक तरीके से हम कह सकते हैं वो इफेक्ट होता है,
मतलब एक तरीके से सारा वेट एक जगह पे केंद्रित हो जाना, तो उसको वो क्या हो जाता है, सेंटर्ड, यानी कि जहाँ पे वेट ऑफ बॉडी इज सेंटर्ड, ठीक है, हम यहाँ पे सेंटर्ड लिख देते हैं, सेंटर्ड इज आर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं 13 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट जरूर किया करें आप लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।